नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, आज की हमारी ये वीडियो सभी गोपालक भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में गायों की जो मुख्य उम्र होती है, जिसमें वो बढ़ती है, यानी जिसे हम हीपर एज कहते हैं, उस एज के लिए हमें ऐसा क्या आहार प्रबंधन करें, यानी ऐसा क्या हम उसको दाना बांटा चारा दें ताकि वो जल्द से जल्द हीट में आ जाए और गैबिन हो जाए, और गैबिन होने के बाद निश्चित टाइम पे एक बहुत ही अच्छा बच्चा हमें दे दे और अच्छा दूध हमें देती रहे। तो इन सभी बातों के लिए ज़रूरी है कि उसका शुरू से ही विकास हो, और शुरू से विकास के लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया था कि गाय के बच्चे को पालने का तरीका, जिसमें हमने सीमन तैयार करने से पहले से लेकर के और उसके एक डेढ़ महीने तक की जो डाइट है वो पूरी की पूरी एक एक पॉइंट समझाया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें, आपको पूरा का पूरा पता लग जाएगा। इस वीडियो में मैं उससे आगे की जो खुराक है, मैन काप से आगे हिपर एज तक की जो खुराक है, यानी कि डेढ़ दो महीने से लेकर के और गैबिन होने तक की गाय की मैं खुराक को पूरा का पूरा विवरण लेके प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला तो मैं आप सभी का धन्यवाद दे दूं कि आप हमारे चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो धन्यवाद आप सभी का। आइए देखते हैं कि गाय को यानी हिपर एज में हमें क्या खुराक देनी है। तो साथियों, पिछले वीडियो में जो आपने जानकारी प्राप्त की थी डेढ़ महीने तक की, उससे आगे अगर हम देखें तो मेनली हमें एक महीने के बाद हमारी गाय के लिए दाना शुरू कर देना है, जो काप है उसके लिए दाना शुरू कर देना है। तो वो दाना मिश्रण हम कैसे बनाएंगे, उसी के लिए मेनली मैंने ये वीडियो बनाई थी। बाकी हरे चारे की अगर हम बात करें तो साथियों, ढाई तीन महीने की जब तक हमारी बछड़ी हो जाती है तब हम उसे हरा चारा शुरू करें तो अच्छा रहेगा। शुरुआत में सूखे चारे पे उसे रखें और दाने पे उसे रखें। दूध हम दे ही रहे हैं, छाछ वाला फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था, यानी ये सब चीजें हम देते रहेंगे। उसके साथ साथ सूखे चारे से और दाने से क्या होगा कि पेट जो है, जो भी चार हिस्से हैं पेट के, वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएंगे, और पेट को अगर इस उम्र में मजबूती मिल गई तो वो पूरी की पूरी जीवन काल में उसके काम आएगी। साथियों, इस एज के लिए हम जो दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसमें आप विशेष ध्यान रखें कि हम 10 किलो के लिए, मैं आपको जो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, जितनी मात्राएं बता रहा हूँ वो 10 किलो के लिए बता रहा हूँ। आपके घर पे कितने हीपर हैं, कितनी आपके पास बछड़ियाँ हैं जिनको आप ये दाना दे रहे हैं, बांटा दे रहे हैं, उस हिसाब से आप उसकी मात्रा डिसाइड कर लीजिएगा। यानी कि हमें 10 किलो अगर बांटा तैयार करना है, आहार तैयार करना है, तो उसके लिए हमें 4.5 किलो धान लेना है। और धान में साथियों, हम जो ले सकते हैं, जई ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं और बाजरा ले सकते हैं, यानी इनमें से जो भी आपके पास सही कीमत पे और आसानी से उपलब्ध हो जाए वो धान आप ले लें। लेकिन ये धान हमें 4.5 किलो लेना है 10 किलो में से। इसके अलावा जो दूसरा घटक आता है वो है साथियों खली, यानी खल। खल जो हमें लेनी है, जो भी उपलब्धता हो, चाहे वो बिनोले की खल हो, चाहे वो सरसों की खल हो, या सोयाबीन की, मूंगफली की, जो भी खल आपको मिल जाए वो खल आप यूज कर सकते हैं। विशेष तौर से बिनोला और मूंगफली की जो खल है वो इस उम्र में अच्छी रहेगी। वैसे सरसों की भी देते हैं कई लोग। यानी उपलब्धता के हिसाब से आपको 10 किलो में से 3.5 किलो, यानी 3 किलो 500 ग्राम हमें खल ऐड करनी है। और साथियों, खल को हम क्या करेंगे, कूट करके मिश्रण बना लेंगे और वो मिश्रण काम में लेंगे। पहले जो मैंने धान बताया था, धान को भी आप मोटा पीस लें, यानी मोटा पीस करके उनको मिला लें। इसी प्रकार से खल को है वो कूट लें। तीसरा जो घटक आता है साथियों वो है चोकर। चोकर हमें गेहूं का चोकर लेना है, सब जगह मिल जाता है। ये गेहूं का चोकर हमें 2 किलो लेना है, यानी 10 किलो में से 2 किलो हमें गेहूं का चोकर ऐड करना है। इसके अलावा कई भाई लोग जहां पे चना मिलता है
थोड़ा बहुत चना ऐड कर सकते हैं। तो चना आप ऐड करेंगे तो इनमें से थोड़ी सी मात्राएं हैं वो कम कर सकते हैं। कई भाई लोग हैं वो दाल देना पसंद करते हैं, तो थोड़ी बहुत दाल मिलाएं, ज़्यादा दाल नहीं मिलाएं। तो दाल अगर ले रहे हैं तो ये जो घटक है मैंने जो मात्राएं बताई है वो आप थोड़ी बहुत कम कर लें। तो इस प्रकार से 10 किलो आपने बांटा तैयार कर लिया। 10 किलो बांटे को तैयार करने के बाद हमें इसमें जब भी हम पशुओं को दे रहे हैं उनकी उम्र के हिसाब से मिनरल मिक्सचर मिलाना है। यानी अगर आपका जो काफ है वो 2 महीने का है तो आप 10 से 20 ग्राम के बीच उसे मिनरल मिक्सचर जरूर दें। इससे बड़ा है तो मात्राएं आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं बढ़ानी है जब तक हमारी जो काफ है वो गैबिन नहीं हो जाती, यानी हीपर जो है वो गैबिन नहीं हो जाती, तब तक हमें 30 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर अच्छी कंपनी का जिसमें सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स हो वो ऐड करना है। मिनरल मिक्सचर क्या है, कौन सा चूज करना है, क्या इसके फायदे हैं, मैंने वीडियो अलग से बना रखे हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें आपको समझ में आ जाएगा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमें इसमें नमक ऐड करना है। साथियों नमक एक बहुत ही अच्छा घटक है जिसे मिलाना आवश्यक है, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 10-20 ग्राम आप नमक ऐड करते रहे थोड़ा 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 थोड़ा। इस प्रकार से आप अपना पूरा का पूरा जो बांटा है वो तैयार कर सकते हैं। साथियों अक्सर हमारे पशुपालक भाई आप लोग गलती कर देते हैं कि अचानक से हमारी काप जो है वो दूध के ऊपर थी और अचानक से आप उसे बांटा दे देते हैं, यानी दाना ज़्यादा दे देते हैं, वो उसके लिए नुकसानदेह हो जाता है। उसका जो पेट है रूमन उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी कि उसे एक्सेप्ट नहीं करता और पेट जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। एसिडोसिस आपरा कई प्रकार की शिकायतें हो सकती है, इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखें जब भी आप अपने काप को बांटा देना चालू कर रहे हैं, दाना मिश्रण चालू कर रहे हैं, वो आप थोड़ा थोड़ा चालू करें। यानी शुरुआत में आप देख लें कि जब आप खिलाना शुरू कर रहे हैं तो पहले आप 25 ग्राम से ही शुरू करें, यानी पहले दिन आपने 25 ग्राम दिया, 2-4 दिन बाद उसे 50 ग्राम कर दें। ऐसे करके जो ही वो 2 महीने की हो जाती है तब तक उसे 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद जो जो उम्र बढ़ती रहती है आप उसका ये जो बांटा है आहार है ये बढ़ा सकते हैं, और जब तक वो गैबिन होने के लायक हो जाए उस समय तक आप इसे 1 से लेकर के 2 किलो तक ले जा सकते हैं। अधिकतर भाई लोग 1 किलो के आसपास ही देते हैं, जो अच्छे तैयार करते हैं वो थोड़ा सा आहार जो है वो ज़्यादा दे देते हैं। इसके अलावा ये जो आहार की मात्रा है वो आप दूध कितना छोड़ रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। यानी आप दूध अगर एक समय पिला रहे हैं और एक समय अगर छाछ यानी मट्ठा दे रहे हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दी थी, उस प्रकार से अगर दे रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत जो आहार है वो कम भी कर सकते हैं। अधिकतर भाई लोग 2-4 महीने तक दूध पिलाते हैं, कई 6 महीने तक, कई 8 महीने तक भी दूध पिलाते हैं। तो दूध की मात्रा जितनी आप छोड़ रहे हैं उसके लिए उस हिसाब से आपको इस आहार की मात्रा जो है वो निर्धारित करनी है। इस सभी दाना मिश्रण के अलावा साथियों ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने समय पे डीवॉर्मिंग अपनी हीपर की नहीं करवाई तो ये सारा का सारा जो दाना मिश्रण है वो बेकार हो जाएगा। यानी डीवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीवॉर्मिंग के लिए हमें क्या देना है, किस उम्र में कौन सी दवा देनी है, किस किस गेप से देनी है, पूरा का पूरा विवरण नीचे जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उसमें बताया हुआ है, दोबारा नहीं बताना पड़ेगा ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। तो डीवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो अच्छे पशुपालक भाई है जो अपनी बछड़ियों को अपनी काफ को अच्छी तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं उनके लिए एक विशेष मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो है साथियों लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन। यानी ये 2 चीज़ें ऐसी है, लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन, अगर आप डीवॉर्मिंग के साथ जो मैंने पीछे आहार बताया है वो आहार देते रहें और साथ में लिवर टॉनिक हमें ज़्यादा नहीं 10 से 20 ml, यानी आप 10 ml से शुरू करें और बछड़ी के लिए 20 ml तक ले जाएं, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसी के अलावा जो मल्टीविटामिन है बहुत ही अच्छी कंपनी का आप लें, लिवर टोनिक भी अच्छी कंपनी का लें, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे आपके जो नज़दीक है। तो मल्टीविटामिन जो है
वो भी हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा मल्टीविटामिन भी आप उसमें ऐड करते रहें। छोटे बच्चों को 1 से 2 ml भी दे सकते हैं, फिर जो जो बड़ी होती है जो जो आप खुराक जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक इस आहार के साथ आप देंगे तो इनका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। इसके अलावा हमें आहार को संतुलित कैसे बनाना है, यानी संतुलित आहार, तो संतुलित आहार के लिए मैंने अलग से वीडियो तैयार किया है जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। उसमें हमें यह पता लग जाएगा कितनी मात्रा में हमें हरा चारा देना है, कितनी मात्रा में सूखा चारा देना है और कितनी मात्रा में हमें बांटा देना है। हालांकि इस वीडियो में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो इस प्रकार से आप अपनी काप जो है उसको तैयार कर सकते हैं।